नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में अवैध शराब को लेकर सख्ती जारी है। जहरीली शराब के पीने से 54 लोगों की मौत के बाद शिवराज सिंह गुस्से ने अधिकारियों को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि मामा ने ठान लिया है कि अवैध धंधे करने वालों को तबाह कर देना है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मामा के आदेश के बाद पुलिस भी फॉर्म में आ गई है और लगातार माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने में लग गई है। इसी कड़ी में भोपाल में अवैध शराब के खिलाफ लगातार चौथे दिन भी बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध शराब का मामला मीडिया में उजागर होने के बाद खरगोन जिले और भिलगांव और सोमामढ़ी में आबकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के ठिकानों को तबाह कर दिया है। भोपाल की बैरसिया तहसील के पास तारावली पठार और करारिया गाँव में पुलिस टीम ने दबिश दी थी। यहाँ जंगल और नालों के किनारे जमीन के अंदर शराब माफियाओं ने शराब छिपाने के लिए टैंकर बना रखे थे। पुलिस को मौके पर हाथ की भट्टी भी मिली, जिसमें 21,000 किलोग्राम महुआ लहान और 530 लीटर शराब थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और माफियाओं के खिलाफ 10 केस दर्ज किए हैं। जब पुलिस टीम भीलगांव में भी दबिश देने पहुंची तो पुलिस को देखते ही इलाके में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने दो लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मौके से 2.5 लाख रुपए कीमत की 75 लीटर भट्टी शराब और 4500 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लाखों में है। यहां पर पुलिस ने ऐसे भी कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो शराब को खरीद कर फिर उसमें मिलावट करके और उसको लोगों को बेचते थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते थे। मुरैना में जहरीली शराब की वजह से ही एक हफ्ते में ही 24 लोगों की मौत के बाद बवाल मच गया था। आरोपी सस्ती शराब बनाने के लिए आगरा से 25,000 रुपए में 1,000 लीटर स्प्रिट लेकर आए और इसी से उन्होंने शराब बनाई, जिसको पीकर 24 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इसके बाद पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बता दिया कि जिसने भी अवैध शराब बेची उसका यही हश्र होगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने शराब बेचकर अवैध कमाई करके आलिशान मकान दुकान कुछ भी बना रखा था, मामा की बुलडोजर ने उसको तबाह कर दिया है और चेतावनी दे दी है कि सुधर जाओ, नहीं तो अगर सरकार सुधारने पे आई तो बहुत महंगा पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे वीके न्यूज़ एमपी। खबर कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही खबर पसंद आए तो शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।